protecting the borders of the country by staying away from their families, the soldiers did not miss their family to this day. So that former Health Minister Laxmi Kanta Chawla reached the border on Attari and tied the Rakhi to the soldiers and celebrated the festival of Raksha Bandhan on this occasion. Laxmi Kanta Chawla says that the soldiers of the country are away from their families. And today the festival of Raksha Bandhan is a festival of love, and for the last 50 years she has been celebrating this festival by tying Rakhi to the soldiers. और आज पूरा भारत लाल चौक से लाल किले तक स्वतंत्रता दिवस एक सा मना रहा है. हम इस सीमा पर 1968 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने आए थे, जब ये सब कुछ नहीं था आसपास. हमारे जवान थे, हम थे, और तब से ये क्रम चल रहा है. मैं पूरे देश को बार बार ये अपील कर चुकी हूँ, इसका असर भी बहुत हो गया, कि जहाँ जहाँ लोग सीमा क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ सैन्य बल अर्ध सैन्य बल हमारे हैं, उनको राखी बांधो. इस राखी का वैसा ही महत्व है जैसे किसी मंदिर में एक दीपक जला करके हम सारी सृष्टि के ब्रह्मांड के भगवान की पूजा करते हैं. अपने इन जवानों पर राखी बांध के और अपनी सीमा पर आकर के हम देश भर में जल में थल में नभ में जितने हमारे सैन्य बल हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. इनके हाथ में जो शस्त्र हैं वो रामबाण बन जाए, और इनका पाँव जहाँ टिक जाए वो हिमालय है या सागर है, वो अंगद के पाँव की तरह अटल हो, भारत की आज़ादी अमर रहे. और ये जो राखी का धागा है ये घर में नोट लेके राखी बांधने के लिए नहीं है, ये राखी का धागा सिरों का सौदा है देश के लिए, मर मिटने वालों के लिए ये राखी है. ईश्वर करे हमारी सभी फोर्सेज अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करें, इनको ईश्वर लंबी आयु दे और ये परम वीर बन करके भारत की सीमाओं की रक्षा करें. जय भारत माता की. जय भारत. शालमली देसाई पूना से आए हैं हम लोग यहाँ पे अटारी बॉर्डर पे इनको राखी बांधने के लिए, और मैं इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी रक्षा करने के लिए. मेरा नाम प्राची मणेरीकर, हम पुणे से आए हैं, तो यहाँ पे इस साल हम लोग राखी बांधने आ सके, और हम लोग मिलिट्री जो जवान हमारी रक्षा करते हैं उनसे मिल सके, उन्हें मिठाई खिला सके, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू सो मच. ये दिन रात हमारे लिए रक्षा करते हैं, और रक्षाबंधन के दिन ये अपने बहनों से नहीं मिल पाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आके उन्हें उनकी बहनों की तरह राखियाँ बनवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू.